अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी चिकन मसाला ग्रेवी की रेसिपी। तो चले देखते हैं हम इस रेसिपी को किस तरह से बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करें। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है आधा किलो, इसे हमें मैरिनेट करना है। उसके लिए कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब दही और 1/2 नींबू भी यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके हमें इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हमने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, वो अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तेल को पहले ही गरम कर लिया था। एक एक पीस ऐड करके आप इसे फ्राई कर ले। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। देखे हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। तेल को अच्छी तरह से आप स्ट्रेन कर ले और चिकन को एक अलग से निकाल के साइड में रख दे। देखे मैंने चिकन को निकाल लिया है। अब आप चाहे तो उसी तेल में भी आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड किया है, उसमें 1 तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक क्रश कर दिया है। प्याज को भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से इसे चला ले और 2 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। देखिए हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से सॉटे हो गया है। अब इसमें 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर दे। मैंने यहाँ पर टमाटर को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था। नमक ऐड कर ले ग्रेवी के हिसाब से। मिक्स कर ले और हमें टमाटर को भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से सॉटे हो गया है, तेल में बबल्स दिख रहे हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। और इन मसालों को हमें 2 मिनट के लिए और सॉटे कर लेना है। इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल जानी चाहिए। 2 मिनट के बाद आप इसमें 1/2 कप के करीब दही ऐड कर ले। दही को भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है, सॉटे कर लेना है इसकी स्मेल जाने तक। 5 मिनट के लिए आप इसे कवर करके पकाए। देखिए तेल किस तरह से ऊपर आ गया है, हमारी दही भी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब काजू का पेस्ट। मिक्सी में मैंने काजू को डाल के ग्राइंड कर लिया था, हल्का सा पानी ऐड करके। हमें काजू के पेस्ट को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी रखें आप। और इसे भी हमें 5 मिनट के लिए सॉटे कर लेना है दही के साथ। देखिए अब हम इसमें हमारे जो फ्राई किए हुए चिकन थे वो ऐड कर देंगे। हमारा मसाला किस तरह से देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। एक एक करके आप चिकन के पीसेस को ऐड कर ले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले मसाले में। और यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ अपनी ग्रेवी के हिसाब से। आपको जितनी ग्रेवी आपकी गाढ़ी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर ले। ख्याल रखें बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड ना करें, वरना इससे हमारा जो ग्रेवी का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हमने 10 मिनट के लिए कवर करके अच्छी तरह से चिकन और मसाले को और जो हमने पानी ऐड किया था उसे पका लिया। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। लास्ट में इसमें ऐड कर दे कसूरी मेथी, थोड़ी सी ऐड की है मैंने यहाँ पर, और हरा धनिया ऐड कर ले इसमें। अगर पुदीना है तो वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर ले और 1 नींबू भी ऐड कर ले। नींबू आप चाहे तो खाने के टाइम पे भी ऐड कर सकते हो, मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है हमें।
और बस 2 मिनट के लिए इसे कवर करके कुक कर लेना है। देखिए हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी चिकन मसाला ग्रेवी की रेसिपी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप सर्विंग बाउल में इसे निकालें और सर्व करें इसे। ज़ीरा राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो या तंदूरी रोटी के साथ आप इसे सर्व करें। दोबारा मिलूंगी और एक ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।